खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सरकार बनने के बाद इन 45 दिनों में इस सरकार ने जितने झूठे वादे किए थे और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह किया था, वो मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ गया है और प्रदेश की और देश की जनता ये समझ गई है कि कौन सी सरकार काम करने वाली थी और कौन सी सरकार धोखे से सरकार बनाने वाली थी। और इसलिए आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस देश की जनता का मानस पूरी तरह से बन चुका है कि वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दोबारा बागडोर सके। इसलिए कांग्रेस इस भुलावे में है कि वो काम करने वाली सरकार है। यदि काम करने वाली सरकार होती तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे, लेकिन 45 दिन हो गए आज तक किसानों को लाल पीले और नीले फॉर्म में उलझाकर गुमराह किया जा रहा है, लेकिन कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर के बयान पर बोले पंकज चतुर्वेदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय बौद्धिक दिवालियापन से जूझ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी समय बौद्धिक दिवालियापन से जूझ रही है। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले एक घंटे के अंदर यदि सबसे पहला कोई आदेश किया तो मध्य प्रदेश के अन्नदाता की कर्ज माफी का था, और मध्य प्रदेश के तमाम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माफ़ किया। जब कर्जा माफ़ करने की सूची बनाने चले तो पता चला कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरोह बनाकर कर्ज माफ़ी के नाम पर एक बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार किया, जिसके चलते विलंब हो रहा है। और इस सबके साथ साथ ये भी गौरतलब है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से किसी भी अन्नदाता से कोई वसूली नहीं की गई, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई कुर्की की गई। आशय बहुत स्पष्ट है कि कर्ज माफ़ी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि 22 फरवरी से किसान अन्नदाता के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।